हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं मिक्सी साफ़ करने वाली हूँ। जो मिक्सी गंदी हो जाती हैं तो उन्हें कैसे साफ़ किया जाए? ना ही तो मैं हार्पिक लूँगी, ना ही कोई तेजाब लूँगी, ना ही सर्फ साबुन लूँगी, तो मैं सिर्फ ब्रश की मदद से इसे साफ़ करूँगी। तो देखते रहिए मैं किस तरीके से करूँगी। तो मैंने देखो चारों तरफ ये गंदी हो जाती है, जो किनारी हैं और जो जॉइंट हैं उनमें ही गंदगी भर जाती है। देखिए मैं किस तरीके से साफ करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ लिया है ब्रश, थोड़ा सा भिगा लिया है, इतना ज़्यादा भी ना भिगाए कि उसमें पानी चला जाए। मैंने थोड़ा सा भिगा लिया है और निचोड़ लिया है ब्रश को। तो मैं इस ब्रश की हेल्प से मिक्सी को साफ करूँगी। धीरे धीरे इसमें चलाती रहूँगी तो मिक्सी अपने आप छूट, इसका जो वो गंदगी है जो मिक्सी की, वो छूट जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हमें करीब एक मिनट के इसी तरीके से हम ब्रश को चलाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो गंदगी है वो छूट जाएगी। देखिए इस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं लिया है यहाँ। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी एक रुमाल है, जो सॉफ्ट वाले रुमाल होते हैं ना, वो आप ले लीजिए। तो इसके द्वारा मैं करूँगी साफ। तो देखिए मैंने ब्रश में फंसा लिया है और धीरे धीरे इसको चलाऊंगी इसमें, तो ये आसानी से जो गंदगी है वो छूट जाएगी और बहुत एकदम क्लीन हो जाएगी। आप देखना, आप इस तरीके से कर सकती हो। ना ही कोई मेहनत लगी है, ना ही एक मिनट में साफ़ हो गई। तो आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए कितनी साफ़ हो गई मेरी मिक्सी। तो कुछ मैं उंगली की मदद से इसे साफ़ कर दूँगी। तो देखिए और यहाँ पे जो हमारा ये बटन होता है मिक्सी का, वहाँ पे गंदगी हो जाती है। कितनी भी साफ़ करो, मैं जैसे कि मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, तब भी गंदगी हो ही जाती है। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रश चलाऊँगी इसके अंदर साइडों से, फिर मैं कपड़े की मदद से यानी रूमाल की मदद से इसे साफ़ करूँगी तो एकदम साफ़ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ भी साफ़ हो गई। और जो पीछे डोरी होती है ना इसकी, तो मैं यहाँ भी साफ़ करूँगी। तो कुछ इस तरीके से देखिए ब्रश की हेल्प से बहुत बढ़िया साफ़ हो जाती है। ना ही पानी जाने का झंझट, ना ही सरफ रसोड़ा, कुछ भी नहीं, और साफ़ हो जाएगी। तो देखिए कितनी साफ़ हो गई, आप देख सकते हो। और जो साइडों में जो हमारी जगह होती है ना, जो जॉइंट होते हैं, तो उसमें भी गंदगी हो जाती है। तो इसको भी मैं इसी तरीके से करूँगी। ब्रश बस पहले तो ब्रश से साफ़ कर लूँगी और फिर इस रूमाल की मदद से साफ़ करूँगी तो बिल्कुल चमक जाएगी। तो देखिए हो गई, दूसरी साइड भी कर लूँगी। कोई मेहनत नहीं लगी, कोई चीज़ नहीं लगी इसमें, वो आसानी से साफ भी हो गई। और जो डोरी होती है ना हमारी, तो इसको मैं साफ़ करूँगी। मैंने रुमाल भिगा लिया है और उसको निचोड़ लिया अच्छी तरीके से और इसको खींच के ऐसे हल्के हाथ से ऐसे ऐसे साफ़ कर दूँगी तो ये भी साफ़ हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। देखिए जो हमारा प्लग होता है वो भी देखिए साफ़ करूँगी, इसको भी ब्रश की मदद से हल्का सा पानी भिगा लिया है मैंने ब्रश को पानी में, और इससे भी धीरे धीरे साफ़ करूँगी तो ये भी हो जाएगा। हम कितने भी संभाल के रखें, कितने भी ढक के रखें, फिर भी गंदी हो ही जाती है। रोज़ में जो रोज़ खाना बनाते हैं तो यूज में आती ही है मिक्सी, तो गंदी हो ही जाती है। तो देखिए ये भी साफ हो गया, तो कितनी चमकदार हो गई। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को शेयर करना।
बाय, थैंक यू।